उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद से ही सूबे भर में भाजपाइयों का बवाल करने का लाइसेंस मिल गया है। इसी कड़ी में आज भाजपाइयों ने बरेली के जिला अस्पताल में जबरदस्त हंगामा हुआ। मामला मरीज को सबसे पहले दिखाने का था, इसी को लेकर बात बढ़ गई और ड्यूटी कर रहे कर्मचारी को हाथ मार देने पर अस्पताल स्टाफ भड़क गया और उन्होंने कार्यकर्ताओं को दौड़ा लिया। बाद में भाजपाइयों ने मंत्रियों और कुछ विधायकों की सिफारिश के साथ अस्पताल स्टाफ को खिलाफ मारपीट और लूट का मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन खबर लिखे जाने तक किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। भाजपाइयों की इस हरकत से मेडिकल स्टाफ में खासी नाराजगी है, वे विरोध पर उतर आए हैं। दोनों ही तरफ से कोतवाली में तहरीर दे दी गई है, हालांकि खबर लिखे जाने तक किसी भी तरफ से मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका। दरअसल अफसरान गुजरे दिनों भाजपाइयों की हरकतों के खिलाफ बिजली विभाग के ब्लैकआउट को देख चुके हैं, इसलिए अफसरान ऐसी कोई गलती दोहराना नहीं चाहते, क्योंकि इस बार मामला अस्पताल का है। अस्पताल वालों की ब्लैकआउट जैसी कार्रवाई हाहाकार मचा कर रख देगी। जब कोई भी आके जब तक बड़ा खड़ा जाए, हम बीजेपी है, हम सपा है, हम कांग्रेस है, ऐसी स्थिति में काम करना बहुत ही असंभव है। हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया उस समय जब 200 लोगों ने मुझे बरैया के छत्ते की तरह मुझको समेट लिया और सवाल पे सवाल, सर ऐसे काम नहीं हो पाएगा। ठेके का कोई विवाद नहीं है मुझे इस विषय में। देखिए मेरा वार्ड ऐसा सेंसिटिव वार्ड है कि मैं अपना वार्ड नहीं छोड़ सकती, वरना मुझे बाहर की पंचायत से कोई मतलब होता है। फिर सर उन्होंने मेरे बस उसी बच्चे को घेर लिया और उनके साथ लेडीज भी थी, कोई इधर घसीट रहा है कोई उधर घसीट रहा है, इसका जवाब दीजिए उसका जवाब दीजिए। सर एक समय में आप एक सवाल करिए, आप मुझसे एक एक करके सवाल कीजिए, मैं हर सवाल का जवाब दूं। वेंटिलेटर रूम में इतने सारे लोग घुस गए, चप्पल वगैरह पहने गए। नहीं वेंटिलेटर में भी कोई नहीं जाता, ड्यूटी हो गया। हम ऐसी स्थिति में काम हम लोग नहीं कर पाएंगे, पूरा स्टाफ नहीं कर पाएगा काम, हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। बस जवाब तलब करना है मुझे और दवा दे के वापस आ रहे थे स्टाफ की तरफ और पीछे से मुझे किसी ने धक्का दिया, मेरे साइड से मेरे बटन भी और इसके पॉकेट में मेरा मोबाइल रखा था और यहाँ से धक्का मारा, इतने सारे लोग भीड़ थे और हम पलट के सर भी नहीं देख पाए कि किसने मेरा मोबाइल पॉकेट से लिया और मेरे हाथ में भी धक्का मारा। मैं बता नहीं सकती कि उन लोगों ने कितनी धक्का दी हम लोग। तो आप क्या करती हैं बच्चों में? मैं आप सही है हमारी स्टाफ से। क्या नींद आती है? नींद आती है। फिर और क्या हुआ उसके बाद? फिर आपके किससे शिकायत? इसने मुझे बताया इतनी भीड़ की मैं आराम से बताइए क्या बच्ची है आपके साथ? उन लोगों ने साइड से मुझे ऐसे आगे से धक्का मारा, इतने सारे लोग तो कोई इधर खींच रहा था उधर खींच रहा था, मेरा बटन भी टूट गया इसका और पॉकेट से मेरा मोबाइल। क्या काम करने के लिए भाई? एक भाटिया जो साला था भाटिया, तुम शांत रहो यार, मैं यही अस्पताल के स्तर से निपटती हूँ, बाकी तो देखा जाएगा। क्या बलात्कारी कर देंगे तभी जाने मानेंगे कि बदतमीजी हो रही है? रखो तो मैं बात बात करती हूँ मैं जी। हिमांशु भाई आइए,